नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पक्स पॉलिटी पर। दोस्तों, बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी जो केयर करना बहुत ही परेशानी की बात होती है, और खासकर उनकी सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को कठिनाई होती है स्वास्थ्य के बारे में उनका केयर कर सके। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जिसका यूज करके आप बेबीज की हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो दोस्तों, वह प्रोडक्ट है सिप्जर कंपनी द्वारा निर्मित बेबी क्योर। तो दोस्तों, बेबी क्योर बच्चों की बीमारियों की हर्बल दवा है। बेबी क्योर बच्चों में होने वाले पेट दर्द, गैस के दर्द में राहत देता है। इसके साथ ही बेबी क्योर का इस्तेमाल पेट फूलने और पेट दर्द के इलाज में भी किया जाता है। बेबी क्योर का इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं, अपच और ऐंठन के इलाज में भी किया जाता है। बेबी क्योर के इस्तेमाल से पेट में फंसी गैस रिलीज होती है और दर्द से आराम मिलता है। बेबी क्योर का इस्तेमाल बार बार भूख लगना, बिना किसी कारण के वजन कम होना, जीभ सफ़ेद होना, मुंह से बदबू आना जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। बेबी क्योर का इस्तेमाल जी मचलाना, उल्टी आना, पेट फूलना, शरीर पर सूजन आना और दस्त लगना जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। बेबी क्योर का इस्तेमाल बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या में भी किया जाता है। इसके साथ ही बेबी क्योर का इस्तेमाल शारीरिक विकास रुक जाने की जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। बेबी क्योर का इस्तेमाल छाती में दर्द रहना या लगातार थकान होना जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। अपच को डिस्पेंसिया भी कहते हैं, जिसमें पेट दर्द, मतली, उल्टी और पेट फूलने जैसे लक्षण सामने आते हैं। बच्चों की इस प्रॉब्लम को भी बेबी क्योर के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। आइए बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें है मेथी, सतावर, अश्वगंध, गोकरू, बिदारी कंद। दोस्तों, इसकी डोज की बात की जाए तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद, पानी या दूध से आप ले सकते हैं, या चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।